हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटर आइडिया में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अग्निपंथ योजना क्या है और किस तरह से सेना में युवाओं को भर्ती किया जाएगा और क्या आपको डॉक्यूमेंट और पात्रता चाहिए, आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के 17.5 से 21 वर्ष के जो युवा है जो सेना में जाना चाहते हैं, उन युवाओं को 4 साल तक भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना को शुरू किया है। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10 और 12वीं के छात्र इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे इस योजना के अंतर्गत सेना में शामिल होने के लिए, उन युवाओं का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। साथ में इस योजना के अंतर्गत उन युवाओं को 30,000 रूपए से 40,000 रूपए तक की हर महीने सैलरी दी जाएगी। साथ में दोस्तों, जो आपको सैलरी दी जाएगी उसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे पहले आपको सेना में भर्ती होते ही पहले वर्ष में आपको 30,000 रूपए की हर महीने सैलरी दी जाएगी, जिसमें से आपको 9,000 रूपए रिटायरमेंट पैकेज में जमा कराने होंगे। बाकी आपको 21,000 रूपए की हर महीने सैलरी दी जाएगी और ये 9,000 रूपए आपका जमा किया जाएगा। इसके बाद आपको दूसरे वर्ष में 33,000 रूपए की सैलरी मिलेगी, जिसमें से आपको 9,900 रूपए रिटायरमेंट पैकेज में जमा कराने होंगे। दूसरे वर्ष में आपको 23,100 रूपए की सैलरी मिलेगी। इसके बाद तीसरे वर्ष में आपको 36,500 रूपए की सैलरी मिलेगी, जिसमें से आपको 10,950 रूपए रिटायरमेंट पैकेज में जमा कराने होंगे, यानी आपको तीसरे वर्ष में 25,550 रूपए की सैलरी मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे चौथे वर्ष में 40,000 रूपए की सैलरी दी जाएगी, जिसमें से आपको यहाँ पे 12,000 रूपए रिटायरमेंट पैकेज में जमा कराने होंगे। आपको हर महीने 28,000 रूपए की सैलरी मिलेगी चौथे वर्ष में। इसके बाद दोस्तों, ये जो आपका पैसा जमा हुआ है, इसके बाद जब आप 4 साल के बाद रिटायर होते हैं तो आप 11,71,000 रूपए मिलेंगे, जिसमें आपका जो आधा पैसा है 11,71,000 रूपए में से वो आपकी सैलरी में से जमा हुआ है और जो आधा पैसा है वो सरकार अपनी तरफ से आपको देगी। साथ में आपको ये जो पैसा जमा होगा इस पे आपको ब्याज भी मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत पहले वर्ष में 46,000 पदों पे भर्ती होगी। इसके बाद आने वाले हर साल में 50,000 युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड, पासवर्ड साइज का फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और आपकी 10वीं या 12वीं कक्षा की उत्तीर्ण मार्कशीट और आपका बैंक खाता पासबुक आदि जो दस्तावेज है वो आपको चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक इस योजना के बारे में घोषणा की गई है, आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर इस योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म शुरू किए जाएंगे, जिसके बाद आप सेना में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर सकते हैं और सेना में भर्ती हो सकते हैं। अगर दोस्तों आप अग्निपथ योजना की अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस लिंक पर जाके योजना से जुड़ी अन्य जानकारियां देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अग्निपथ योजना से जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे सरकारी योजनाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।